And this is on the ongoing major violence in Manipur, India. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. देश की संसद से लेकर ब्रिटेन की संसद तक मणिपुर को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे और सवालों का जवाब देने की बजाय स्मृति ईरानी जैसे मंत्री राजस्थान और बंगाल पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में महिला सांसद फियोना ब्रूस ने मणिपुर के मुद्दे को उठाया और कहा, मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, कई बिल्कुल नष्ट कर दिए गए, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक शरणार्थी हैं। ना सिर्फ चर्च बल्कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। इससे साफ है कि ये सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे बड़ा फैक्टर है। इस सब के बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। Yet there's been very little reporting about this. फियोना ब्रूस की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार को मणिपुर में शांति बहाली के लिए अधिक संख्या में सैन्य बल तैनात करने चाहिए ताकि आदिवासी गांवों की सुरक्षा हो सके। People there are calling out for help. ब्रिटेन की संसद में मणिपुर पर बहस पीएम मोदी को संदेश देती है कि मणिपुर को लेकर देश की फसीहत सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सवाल उठा रहा है कि क्या धर्म की राजनीति की वजह से पीएम मोदी ने अब तक मणिपुर को लेकर शांति की अपील तक नहीं की। स्मृति ईरानी सहित बीजेपी के तमाम मंत्री मणिपुर की तुलना बंगाल और राजस्थान से कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की फजीहत हो रही है।